हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आज मैं आपके साथ में कोई रेसिपी शेयर नहीं कर रही हूँ, मैं आपके साथ में आपके बच्चों के जो स्वेटर्स वगैरह होते हैं उसका ऊन जो बच जाता है उसका मैं बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ बता रही हूँ। उनके लिए पहनने के लिए सॉक्स बनाना, उसको बनाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, आपका 1-2 घंटे के अंदर बच्चों के तैयार भी हो जाते हैं और विंटर्स में बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी भी होते हैं। इस तरह से हम इसमें फंदे डालेंगे। ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ इस तरह से वीडियो इसका शेयर करने के लिए, तो इसलिए कहीं पे अगर कोई भूल हो जाती है तो प्लीज़ उसको इग्नोर करिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको अच्छे से बता सकूँ। आप इस तरह से इसके फंदे डालिएगा, फिंगर क्रॉस करते हुए, मैंने काफ़ी नज़दीक से दिखाया है। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ये मैंने पूरे फंदे डाल लिए हैं, ये 50 फंदे के अप्रॉक्स हैं। और इस तरह से फिर हमने उल्टी बिनाई करनी है, और भी पूरी सिलाई में उल्टी बिनाई करनी है हमको। ये वाली बिनाई में आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर होगी क्योंकि इसमें फंदे जो होते हैं ये काफ़ी टाइट होते हैं, तो आपकी जो बिनाई की स्टिक्स होती हैं वो जल्दी जल्दी इसके अंदर घुसती नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रेशर वाला काम रहता है, लेकिन इससे रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा आता है। इस तरह से हमको उल्टी बिनाई करते हुए ये पूरी सिलाई हमने उल्टी बिनाई के साथ ही हमने ख़त्म कर देनी है। मैं इसके बाद कुछ टाइम बाद मैं आपको एक ही सिलाई के साथ में किस तरह से किया जाता है एक ही बिनाई के थ्रू, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी, काफ़ी इजी वे में आप किस तरह से बना सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमको पूरी अपनी जो बिनाई है इसको हम कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है। अब हमने क्या करना है, एक सिलाई हमको सीधी लेनी है और एक सिलाई उल्टी लेनी है। आप मेरी जो सीखे हैं इस पे बहुत ध्यान दीजिएगा, बिनाई की जो स्टिक्स हैं। ये देखिए, मैं एक इस साइड पे दे रही हूँ, फिर मैं थ्रेड को घुमाते हुए दूसरा मैं दूसरी साइड को दे रही हूँ। इस तरह से हमने इसका पूरा बॉर्डर बना लेना है। ये देखिए, इस तरह से घुमाएँगे हम और इस तरह से हम इसको बनाएंगे। इस तरह से हमने इसका पूरा बॉर्डर दे देना है। अब मैं इसको थोड़ी देर में आपको लास्ट एंड में दिखाऊंगी कि किस तरह से इसका एंडिंग होता है, अदरवाइज वीडियो बहुत ही बड़ी हो जाती है। वैसे ही वीडियो बहुत बड़ी हो गई है, मैंने काफ़ी स्टेप्स जितने ज़रूरी होते हैं सिर्फ उतने ही दिखाए हैं। ये देखिए, इस तरह से आपके इसको घुमाते हुए आप इस तरह से एक सीधा लेंगे एक उल्टा लेंगे, इसमें आपको बहुत कॉन्शियस रहना है, अदरवाइज़ आपका बॉर्डर अच्छा नहीं बनेगा। अब हमारा जब हम लास्ट एंडिंग में आ जाएंगे, इसी तरह से हमको एंड करते हुए एक सीधा एक उल्टा करते हुए, जो भी आपका सीरीज़ में नंबर आए उल्टा हो या सीधा हो उसी तरह से आना चाहिए। और फिर जब हम नया पहला फंदा सेकेंड लाइन का डालेंगे तो जो हमारा फिनिश किया होता है, चाहे वो आपका सीधा किया है या फिर उल्टा आया है, जो भी आया है वही सेम चीज़ हमारी रिपीट होती है। अगर आपका उल्टा फंदा लास्ट में आया है तो उल्टा ही आपका आएगा, ताकि सेम बिनाई हमारी बॉर्डर में पीछे से दिखे। ये बहुत ज़रूरी है कि पीछे से एक ही जैसी दिखे। और उसके बाद फिर हम वही पुराना वाला यूज़ करेंगे लाइन का, जो हमारा फॉर्मूला था एक सीधा एक उल्टा। इस तरह से करते हुए हमारा सेम बॉर्डर, जिसे मार्केट से आप लाते हैं आपने देखा होगा एक सिलाई सीधी होती है उसमें एक उल्टी होती है, उसी तरह से ये पूरा बॉर्डर रेडी हो जाता है। इसमें इस तरह से बनाते हुए हम ये पूरी सिलाई को ख़त्म कर लेंगे। ये देखिए, मैं फिर लास्ट में आपको फिर दिखा रही हूँ। इस तरह से हमारी सेकंड बिनाई भी हो गई है, और हमारा जो भी फंदा लास्ट में आएगा वो सेम हर बार वहीं पे वही फंदा आएगा, सीधा होगा तो सीधा ही आएगा और उल्टा होगा तो उल्टा ही आएगा।
और हमको सेम वैसे ही पैटर्न बनाते हुए सेम पैटर्न में हमको सिलाई पूरी करनी है। बिनाई हमको अपनी पूरी इसी तरह से हम पूरा बॉर्डर बिन लेंगे। ये देखिए इस तरह से करते हुए हम पूरा अपना बॉर्डर कंप्लीट कर लेंगे। ये मैंने पूरा बॉर्डर बना लिया है। अब इसको नापने का तरीका मैं बताती हूँ। अगर आपकी फिंगर मोटी है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लेके नहीं तो आप अपने थम के हिसाब से इसको नाप लेंगे। एक थम काफ़ी होता है छोटे बच्चों के लिए, और अगर आप बहुत ही छोटे बच्चों के लिए यानी इन्फेंट्स के लिए बना रहे हैं तो आप थोड़ा सा लंबा लीजिएगा, क्योंकि उनके जो सॉक्स वगैरह बनते हैं वो काफ़ी ऊपर से बनते हैं। अब हमने सीधी बिनाई करते हुए पूरा सिलाई को हम अपने कंप्लीट करेंगे। ये देखिए मैं सीधी बिनाई कर रही हूँ। सीधी बिनाई में आपको इस तरह से आपकी जो स्टिक्स होती हैं वो अंदर जाती हैं और फिर बिनाई करते हुए आती है। सेकंड बिनाई में हम इन्हीं फंदों को 50 फंदों को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जिसमें कि मैंने साइड साइड के 20-20 ले रखे हैं और बीच का हमने जो है सॉरी साइड साइड के मैंने 15-15 ले रखे हैं और बीच का जो है मेरा वो मैंने 20 का ले रखा है। इस तरह से बिनते हुए मैंने लास्ट के जो 15 फंदे होते हैं उनको मैं छोड़ दूंगी और 20 फंदों को ही बीच के जो होंगे उनको मैं बिनती चली जाऊंगी। वो 20 फंदे मैंने अप्रॉक्स आपको 10 टाइम्स आप काउंट करते जाएगा। देखिए जिस तरह से मैंने छोड़ दिया है, अभी मैं खाली 20 फंदे ही इसके बिनूंगी। मैं उसके अलावा कोई फंदे नहीं बिनूंगी। जो बीच के मैंने 20 फंदे ले रखे हैं सिर्फ उनको ही मैं बिनना है, और वो भी 10 सिलाई तक काउंट करते हुए आप बिन लीजिएगा। इस तरह से आप सीधे सीधे इसको बिनते चले जाइएगा। 10 सिलाई के अप्रॉक्स हमको इसको बिनना है। और दूसरी साइड के भी जो हमारे रिमेनिंग बचे हुए थे इसमें आ गए थे उनको भी हम छोड़ देंगे, यानी कि हम दोनों साइड से 15-15 फंदे छोड़ देंगे और बीच के जो 20 फंदे हैं सिर्फ उन फंदों को हम 10 बिनाई तक हम इसको आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। और जैसे ही हमारे ये 20 फंदे 10 बिनाई हम ऊपर तक इसको बढ़ा लेंगे, तब हम देखिए हमारी ये कंडीशन हो जाती है। इस तरह से हमारे फंदे आगे को बढ़ जाते हैं और बीच में अच्छा खासा गैपिंग आ जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसमें नए फंदे बनाएंगे इनको कनेक्ट करने के लिए। इस तरह से हम घुसाते हुए इसमें जो हमने 10 सिलाई करी है हर सिलाई का एक फंदा बनाएंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसमें घुसाएंगे और 10 फंदे हम इसमें इंक्रीज कर लेंगे। इस तरह से घुसाते हुए ये देखिए इस तरह से घुसाएंगे और 10 फंदे हम इंक्रीज कर लेंगे इसमें। इस तरह से हम इसको आगे वाली जो सिलाई के फंदे हैं इनसे हम कनेक्ट कर लेंगे बढ़ाते हुए। ये बहुत ही इजी वे में बन जाता है। थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ में इसमें साथ में कंटिन्यू करते हुए बनाइएगा, आपके 1-2 घंटे के अंदर पूरे सॉक्स तैयार हो जाते हैं। और इस तरह से उसको हम कंटिन्यू करते हुए पूरी बिनाई करते हुए नया सीरीज़ में अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ नई सिलाई में। और नई सिलाई में भी मैं इसको पूरा बिनते हुए अब जो हमने हमारी दूसरी साइड थी मैं उसको भी उसके साथ में अटैच करूँगी, ताकि ये सारे के सारे फंदे एक ही सिलाई में अटैच हो जाएं। ये देखिए कभी कभी फंदे इस तरह से निकल भी जाते हैं तो उनको हमको वापस डाल लेना चाहिए। ये देखिए इस तरह से हम इसमें मैं क्योंकि मेरी सिलाई अब दूसरी साइड की हो गई है इसलिए ये पूरी की पूरी सिलाई मेरी उल्टी ही जाएगी, इसको मैंने सीधा बिल्कुल भी नहीं करना है। अब हमारी जो आगे सीक्वेंस पूरा बनेगा बिनाई का उसमें एक बिनाई पूरी सिलाई की स्टिक्स की वो सीधी जाएगी और एक हमारी पूरी उल्टी जाएगी। ये देखिए इस तरह से मैं बिनते हुए ये पूरा उल्टी बिनाई के साथ में बिनूंगी। इस तरह से बिनने से आपका आगे से जो डिज़ाइन होती है वो बिल्कुल ही सिमिलर आती है, एक जैसी आती है। जिसे आप मार्केट से लाते हैं उसमें आप देखते होंगे कि आगे से एक ही तरह की बिनाई चलती है,
तो वो इसी पैटर्न के थ्रू चलती है कि एक बिनाई सीधी भी नहीं जाती है और दूसरी उल्टी भी नहीं जाती है। अब मेरा दूसरा साइड कनेक्ट करने की बारी है, इसके साथ में इस तरह से मैं इसमें भी मैं 10 फंदे बढ़ाते हुए इसको भी मैं इसके साथ में कनेक्ट कर दूंगी। देखिए इस तरह से मैं इसको बढ़ाऊंगी, और 10 फंदे बढ़ाते हुए जो मेरी स्टिक में इसमें जो फंदे बचे हुए हैं इससे जोड़ दूंगी, आगे को बिनती हुई ले जाऊंगी। यानी कि देखिए इस तरह से मैंने बढ़ाना है। अब देखिए मैं किस तरह से इसके साथ में बिनती हुई चली जा रही हूँ। ये देखिए इस तरह से मैं आगे को बिनती हुई चली जाऊंगी और ये सारी की सारे फंदे मैंने एक ही बिनाई में एक ही सिलाई में ले लिए हैं। अब मैं इनको एक साथ ही सेम पैटर्न मैंने जो बताया था आपको, एक सिलाई मेरी पूरी सीधी रहेगी और दूसरी सिलाई मेरी पूरी ही उल्टी रहेगी और मेरे फंदे अब 70 हो गए हैं क्योंकि मैंने 10 फंदे दोनों साइड से इंक्रीज़ किए थे। तो अब मेरे फंदों की जो नंबर्स हैं वो 70 हो गए हैं और इस तरह से मैं एक सिलाई सीधी बिनती चली जाऊँगी और एक सिलाई उल्टी बिनती चली जाऊँगी। यह आपको देखने में थोड़ा सा अभी लग रहा होगा कि बहुत टफ टास्क है, बट अगर आपको थोड़ी भी सीधी उल्टी सिलाई आती है बिनना आता है तो आप इजीली इसको देखते हुए आप इजीली इसको बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से मैं पूरा इसमें पूरी बिनाई जो है एक सिलाई सीधी सीधी लेती जाऊँगी जैसे कि मैं अभी ले रही हूँ और इसके बाद फिर मैं पलटते हुए वो पूरी सिलाई जो होगी मेरी वो मेरी उल्टी आएगी पूरी बिनाई। ये देखिए मेरी स्टिक्स में मैंने पूरी अपनी सीधी वाली कर ली है बिनाई, अब मेरी इसी पूरी की पूरी उसमें उल्टी बिनाई आएगी। ये देखिए इस तरह से अब मैं पूरे का पूरा उल्टा बिनूंगी इसमें और ऐसे ही बिनते बिनते हमको इसको इतना लंबा कर देना है। आप इसको मेज़र करने के लिए अपने हाथों को भी ले सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप अपने हाथ रखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इजीली कि कितना बिनना है आपको। अदरवाइज़ आप काउंटिंग अगर करते हैं तो अप्रॉक्स 10 बिनाई 10 बार आपको इस तरह से बिनाई करनी रहती है पूरी पूरी सिलाई में तो आपका रेडी हो जाता है। अब हमने क्या करना है कि इसमें जितने फंदे हैं यानी कि मेरे 70 फंदे हैं, 70 का हाफ हमारा 35 होता है, तो मुझे 35 फंदे इसमें बिनने हैं। जैसे ही मेरे 35 फंदे तक पहुंच जाता है तो मैं इसको फोल्ड कर दूंगी इस तरह से और इन सारे फंदों को मैं एक और स्टिक ले रही हूँ इसके हेल्प से मैं इनको आपस में जॉइंट कर दूंगी। ये देखिए इस तरह से मैं दोनों में एक स्टिक घुसाऊंगी, दोनों सिलाई के फंदों में इस और एक बैक लेते हुए एक फंदा मैं बनाते हुए उन दोनों को एक ही फंदे में ज्वाइन कर दूंगी। इस तरह से मेरा अभी मैं आपको अच्छे से दिखाती हूँ फिर से। ये देखिए इस तरह से मैंने घुसाना है और फिर थ्रेड को की हेल्प से मैंने उनको कनेक्ट करते हुए चले जाना है और हम आगे बढ़ते चले जाएंगे और जो एक फंदा रिमेनिंग बचता है उसको हम वापस उसमें डालेंगे। तो इस तरह से हमारी एक स्टिक जो हमने हाथ में ले रखी है उसमें 3 फंदे एक बार में दिखते हैं। ये देखिए मैं बहुत अच्छे से आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से हमारा आएगा और ये तीनों के तीनों फंदे स्टिक में चले जाएंगे। ये इस तरह से आपका चला जाता है और इस तरह से ये आपस में कनेक्ट होता हुआ चला जाता है
आपकी स्टिक में एक ही फंदा रहेगा, बाकी के फंदे आपके नीचे गिर जाएंगे, आप निकाल देंगे उनको मतलब। फिर वही फंदा जो होता है वो आगे के दो फंदों के, फिर एक फंदा इसका, एक फंदा दूसरी बिनाई का, इस तरह से करते हुए सिलाई में आएगा और एक जॉइंट करता हुआ वो आगे को चला जाएगा। इस तरह से हमारे सारे फंदे जो होते हैं वो आपस में कनेक्ट होते हुए चले जाते हैं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी अनकंफर्टेबल हो जाते हैं क्योंकि तीन तीन फंदे आपको एक साथ लेकर के कनेक्ट करते हुए, ये देखिए इस तरह से नीचे को निकालते हुए लेके जाना रहता है और आपके पास एक ही फंदा बचता है, बाकी के दोनों फंदों को आप नीचे गिरा देते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका बनता हुआ चला जाएगा। पूरी सिलाई में आप इस तरह से बना लेंगे तो आपके इस तरह से आपकी कनेक्टिविटी बन जाएगी और आपका बहुत ही बेहतरीन जॉइंट तैयार हो जाता है। ये देखिए इस तरह से आपकी पूरी अटैच्ड बिनाई दिखती है। ये देखिए आपका कनेक्ट हो चुका है। अब हम इसको सीधा करके इस तरह से उल्टी उल्टी साइड से हम इसको सिल देंगे तो हमारा इस तरह का तैयार हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।